हेलो गाइस, मैं बिलाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले जॉब नोटिफिकेशन, जी हां जॉब नोटिफिकेशन की बात करेंगे। और इस जॉब नोटिफिकेशन में हम बात करने वाले टीचर वैकेंसी 2021, जी हां सरकारी स्कूलों में 3500 पदों पर भर्ती निकली हुई है। और इस वीडियो में इस भर्ती की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल लेंगे कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, किन किन पदों पर भर्ती निकली हैं और आवेदन की अंतिम तारीख क्या है, फीस कितनी सबमिट करनी है, इन सभी की पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर अभी नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि देश भर में सरकारी स्कूल टीचर से लेकर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल तक के हजारों पदों पर भर्ती निकली हुई है। ये भर्ती भारत सरकार की तरफ से निकाली गई है, ध्यान रखना, जी हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भर्ती निकाली गई है। और भर्ती की यानी आवेदन की जो पहले अंतिम तारीख थी वो पहले 30 अप्रैल 2021 थी, लेकिन अब आवेदन की अंतिम तारीख को कोरोना काल में और कोविड-19 के प्रकोप के कारण, क्योंकि बहुत से लोग इस भर्ती को अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो इसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। अब जो लोग इसके लिए अप्लाई करने वाले थे परंतु डेट निकल जाने के बाद वो अप्लाई नहीं कर पाए, तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि वो अब आसानी से 31 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नानक दोस्तों 31 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इन सभी भर्तियों के जो आवेदन की अंतिम तारीख है वो सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना, जी हाँ ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे किसी भी वजह से भी। तो उदाहरण दोस्तों सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। चलिए और देखते हैं भर्तियाँ कहाँ कहाँ होंगी। सबसे पहले बात करते हैं तो भारत सरकार की तरफ से भर्तियाँ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स यानी EMRS में टीचिंग स्टाफ वैकेंसी 2021 के तहत की जाएंगी। और ये भर्तियाँ जो हैं देश के 17 राज्यों में की जाएंगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, तो ट्राइबल्स इलाकों में देश के 17 राज्यों में भर्ती की जाएंगी और ये इन भर्तियों पर योग्यता के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। तो जो लोग योग्य हैं वो आसानी से इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो भर्ती डिटेल्स के बारे में बात करें, किन किन पदों पर कितनी भर्ती निकली हुई हैं, तो दोस्तों इन 3500 पदों की बात करें तो 3500 पदों पर 175 पद प्रिंसिपल के हैं, वाइस प्रिंसिपल के 116 पद हैं, PGT के हैं 1244 पद और TGT के पद हैं 1944। तो कुल पदों की संख्या दोस्तों मिलाकर की जाए तो है 3479 यानी 3479 टोटल वैकेंसी है। दोस्तों जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। अब आवेदन की योग्यता क्या है, तो सबसे पहले योग्यता की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए क्या योग्यता रखी गई है, तो प्रिंसिपल के पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री और बीएड डिग्री और टीचिंग का 10 साल का अनुभव होना चाहिए। और जो अभ्यर्थी हैं, जो अप्लीकेंट हैं, जो अप्लीकेशन भरेंगे उनकी उम्र की जो सीमा है 50 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए वही व्यक्ति प्रिंसिपल पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर डिग्री, बीएड डिग्री और 10 साल का टीचिंग अनुभव होना उनके लिए ज़रूरी है। वाइस प्रिंसिपल के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल के पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री, बीएड डिग्री और टीचिंग का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा उनकी उम्र सीमा जो है 45 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी 45 प्लस व्यक्ति ही वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप आसानी से आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल्स एरिए में काम करने का अनुभव तजुर्बा बहुत अच्छा होता है और बहुत से महानुभव अपने अनुभव को यहाँ पर शेयर भी करेंगे आपसे। तो PGT वैकेंसी में क्या क्या है दोस्तों, इस भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में आपको मास्टर डिग्री या NCERT रीजनल कॉलेज से 2 साल का इंटीग्रेटेड PG कोर्स, BEd या BEd के समान कोई और डिग्री भी होनी चाहिए। उम्र सीमा कितना है दोस्तों, इसके लिए 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, आप 40 वर्ष यानी 18 से 40 वर्ष तक के आप क्या आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो 40 वर्ष से अधिक उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए PGT के लिए। TGT स्टाफ के लिए क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन यानी जिस विषय के लिए आपको अप्लाई करना है इस विषय में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। मान लेते हैं आप अगर पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करें तो आपको पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए, या NCERT रीजनल कॉलेज से 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, BEd या BEd के समान डिग्री होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि इस वैकेंसी के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट यानी tribal.nic.in, ध्यान रखना दोस्तों tribal.nic.in या नेशनल
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिक्रूटमेंट यानी NTA की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताते चलूँ, आवेदन की अंतिम तारीख 31 मई 2021 है दोस्तों, ध्यान रखना, आवेदन की अंतिम तारीख जो है 31 मई 2021 है, और फीस सबमिट करने की भी अंतिम तारीख दोस्तों 31 मई 2021 है। तो देर ना कीजिए, जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से निकल नहीं जाए, क्योंकि ऐसे बेरोजगारी इंडिया में बेरोजगारी भरी पड़ी है दोस्तों। ये आपके लिए अच्छा मौका है और आसानी से आप अप्लाई करके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं और अपने कैरियर को नई बुलंदी तक पहुँचा सकते हैं। वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो आपको दोस्तों को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर पढ़ाई से संबंधित और कैरियर से संबंधित सही इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए हमेशा आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।